अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजहर रब्बानी फूड ब्लॉग्स एंड कुकिंग विद रब्बानी में एक दफा फिर हाजिर हो गया है। आपका भाई अभी थोड़ा सा थका हुआ भी है। आज सुबह से मैं CMH में था, एक काम से फ्री हो गया हूँ और अब डाढ़ी किस्म की भूख लग गई है भाई को। तो भाई ने इरादा किया है कि सदर में एक कोई फूड कॉर्नर या कुछ इस तरह का नाम था, वहाँ के चावल छोले बहुत मशहूर है। तो अभी मेरे साथ अंकल बैठे हुए हैं, तो अंकल ने मुझे बताया, टैक्सी वाले अंकल क्रीम वाले, तो उन्होंने मुझे बताया कि फूड कॉर्नर के नाम से, और अंकल भी कह रहे हैं कि उसके चावल छोले बहुत मजे के हैं। तो मैंने आज से 10-12 साल पहले आखिरी दफा खाए थे, उसके बाद मेरा कभी इस टाइम पे चक्कर नहीं लगा सदर के, मैं यहाँ पे बैठ के वो चावल छोले ट्राई करूँ। और उसके ऊपर चिकन पीस बहुत जबरदस्त जला हुआ होता है और बहुत जबरदस्त उसके साथ रायते वाली चटनी होती है, और साथ बंदा कोल्ड ड्रिंक ले तो फिर आय हाय हो जाती है। तो अभी सख्त भूख लगी हुई है आपके भाई को, अभी आपका भाई वो वाले चावल खाएगा, ऊपर चने भी डलवाएगा, साथ चिकन पीस भी लेगा और साथ ठंडी ठंडी स्प्राइट जो 7-Up भी लेगा, और फिर उसके बाद वो खाना खाएगा। और अगर वो कॉर्नर फूड वाले अभी हुए, क्योंकि अभी कोई 4 बजे का टाइम होने वाला है, हो सकता है कि उनका खाना खत्म भी हो, लेकिन अंकल बड़ी गारंटी दे रहे हैं मुझे कि अंकल कह रहे हैं मैं भी आपके साथ कहूंगा। ठीक है अंकल, आज आप मेरे गेस्ट होंगे। तो अंकल नहीं अमेरिकन सिस्टम नहीं जी, अंकल मेरे गेस्ट होंगे आज, और हम दोनों मिलके जो है ना चावल खाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि उनके चावल कैसे होते हैं। आज से 15 साल पहले तक का तो उनका टेस्ट बहुत ही आला होता था, और उधर एक बाबा जी भी होते थे, बहुत जबरदस्त किस्म के बाबा जी थे जो सारों को खाना सर्व करते थे। तो आज पता करते हैं कि वो बाबा जी हयात हैं या नहीं, या अभी किधर होते हैं, तो वो भी पता करते हैं और चावल छोले भी खाते हैं और साथ चिकन पीस भी खाते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि उनका टेस्ट अभी भी कैसा है, और आपको पूरा दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, तो फिर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फूड कॉर्नर पे माशाल्लाह पहुंच चुका हूं। ये सामने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बिल्डिंग है, और वो सामने मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है सदर में, और वहाँ से साथ आए तो यहाँ पे फूड कॉर्नर है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा चावल छोले और मुर्ग चने और चावल छोले खाए हैं, लेकिन आज कम से कम 10-12 साल के बाद मैं इधर आया हूँ। जिन बाबा जी का मैं जिक्र कर रहा था, वो तो मैंने पता किया, वो बेचारे फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनका अगला जहान अच्छा करे। तो ये अंकल खड़े हुए हैं और मैं आपके साथ हूँ, और अब हम दोनों मिलके यहाँ पे चावल छोले खाएंगे, और जगह नहीं है बैठने की, इंतज़ार कर रहे हैं, जगह मिले तो फिर हम बैठते हैं और फिर चावल छोले मैं आपके इनके दिखाता भी हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, जाहिर साहब से मेरी बात हुई है, ये फूड कॉर्नर के काउंटर पे पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह, तो अभी इनसे थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं। जाहिर साहब, ये फूड कॉर्नर कब से स्टार्ट हुआ है, कितना पुराना है ये? 22 साल हो गए हैं। मैं अभी अपने व्यूवर्स को बता रहा था कि मैं कम से कम 12-13 साल बाद आया हूँ, और 94-96 में मैं इधर आता होता था। तो आप 22 साल से आप ही इधर बैठे हुए हैं, सही हो गया। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ बाबा जी थे, वो तो बेचारे फौत हो गए, कितना अर्सा पहले जी वो फौत हुए? 3 साल हो गए उनको फौत हुए। अच्छा, यहाँ पर कल शाम से लाइट गई हुई है, तो खाना शाना तो इन्होंने इतना बंदोबस्त नहीं किया आज, क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन चावल छोले अवेलेबल हैं, वो अभी हमें मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावल छोले अलॉन्ग विद चिकन पीस आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त चिकन पीस है, और देखें कैसा टेंडर्ड हुआ हुआ चिकन पीस है, और स्पाइसी भी है, ये अंकल ने भी मंगवा लिया है, और अब हम इसको खा के देखते हैं। गर्मी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि कल रात से लाइट गई हुई है। थोड़े गर्म है, ठंडे करते हैं, बहुत मजे के बने हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, टेक्सचर मैंने आपको इसका दिखा दिया, नेक पीस ये देखें, चिकन का चौथा हिस्सा और चने, और ये सलाद। तो अभी हम इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हम लोगों ने खा लिया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर पे चलते हैं, काउंटर पे बिल पे करते हैं, और गाड़ी में बैठते हैं और घर जाते हैं। गर्मी बहुत शदीद है, आपका भाई खाना खाने के बाद पसीने पसीने हो चुका है इस वक्त, लेकिन हम बिल पे करके। सर जी, बिल कितना हो गया? सात सौ दस हम बिल पे करते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक छोटा सा व्लॉग था फूड कॉर्नर का, बैठे बैठे ख्याल आया कि आगे चावल छोले खाए जाए,
और टेस्ट मुझे, मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाया कि गर्मी शदीद थी और बिजली कल रात की गई हुई थी और बिल्कुल कोई हाल नहीं था, लेकिन भूख लगी हुई थी और चावल मैंने खाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वही टेस्ट जो आज से 22-23 साल पहले आता था वही टेस्ट आज मुझे आज भी आया। तो यहीं पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के खाने में, रिस्क में बरकत डाले और अल्लाह ताला आपका हमियों नासिर रहे। आखिर में अज़र बानी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।